हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा जोशी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक। आज के वीडियो में जिस मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, उस मेडिसिन का नाम है, आयुर्वेद की मेडिसिन है, पुनर्नवादी मंडोर। पुनर्नवादी मंडोर ये मेडिसिन क्या है, कैसे काम करती है और उसकी डोज क्या है और कब आपको लेना है विदाउट डॉक्टर से कंसल्ट किया और कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ये दोनों चीजें मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगी। प्लीज वीडियो पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, कमेंट करिए और दूसरों के साथ में शेयर जरूर करें। चलिए बात करते हैं पुनर्नवादी मंडोर क्या है। पुनर्नवादी मंडोर आयुर्वेद की मेडिसिन है और क्लासिकल मेडिसिन है, मतलब कि इसका रेफरेंस जो दिया गया है ये आयुर्वेद की जो पुरानी टेक्स्ट होती हैं, जो 700 800 हजारों साल पहले लिखी गई हैं, उन टेक्स्ट में दिया है। ये कोई अभी की कि किसी मैनकाइंड फार्मा ने बना दी या किसी चरक फार्मा ने इसको लॉन्च कर दिया, ये वैसी मेडिसिन नहीं है, क्लासिकल मेडिसिन में आती है। पुनर्नवादी मंडोर आपके लिवर से संबंधित सारी बीमारियों में बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपके लिवर में स्वेलिंग है, लिवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, फैटी लिवर की कंडीशन हो रही है या फिर किसी और तरीके की लिवर संबंधित प्रॉब्लम है, तो आपको पुनर्नवादी मंडोर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा पुनर्नवादी मंडोर अगर आपके शरीर में खून की कमी है, एनीमिया है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। और तीसरी कंडीशन जो है, जब आपके शरीर में सूजन आ जाती है, अगर आपके पैर सूज रहे हैं, स्वेलिंग आ रही है आपके पैरों में, तब भी आपको पुनर्नवादी मंडोर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये टैबलेट फॉर्म में आती है, पतंजलि की है, टैबलेट फॉर्म में आती है और इसके अलावा एक दो कुछ और दूसरी कंपनियां हैं, इनकी पाउडर फॉर्म में भी आती है। पुनर्नवादी मंडोर का इस्तेमाल हमेशा गर्म पानी के साथ में किया जाता है, बाकी इसे कभी कभी छाछ के साथ भी देते हैं, छाछ मट्ठा जो होता है उसके साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। मैं जनरली गर्म पानी के साथ देना प्रेफर करती हूँ। इसके अलावा शहद और घी के साथ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका इस्तेमाल कब आपको बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए करना है, कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम 10 या 15 दिन से है, ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 2-4 दिन से आपको कोई परेशानी हो रही है, तब आप अपने इन कंडीशन के लिए कि भाई आपको पेट के ऊपरी हिस्से में हल्का हल्का दर्द होता है, कमजोरी लगती है, थकावन है, पैरों में सूजन आ रही है, अगर ये सारी कंडीशन आपको 10 या 15 दिन से ही हो रही है, तो फिर आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्रोनिक एनीमिया है, क्रोनिक एनीमिया मतलब पिछले 5-6 महीने से आपका खून कम है और खून काफी ज्यादा कम है, मतलब 6 ग्राम 7 ग्राम तक आपका है, मैक्सिममली 8 ग्राम तक, अगर आपका 8 ग्राम तक खून कम है, तो फिर आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए इसका प्रयोग मत करिए, क्योंकि खून कम होने के बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। अगर कोई और रीजन हुआ, किसी भी तरीके की और प्रॉब्लम हुई, तो हो सकता है मेडिसिन उतना अच्छा काम नहीं करे। तो अगर आपका खून 8 ग्राम से कम है तो इसका इस्तेमाल मत करिए। अदरवाइज आप हेल्दी हैं तो इसका 3-4 महीने में एक आध बार आप प्रयोग करेंगे तो आप हेल्दी बने रहेंगे, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई फैटी लिवर है जो क्रोनिक है, जिससे आपको डाइजेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पिछले 6-7 महीनों से ऐसी प्रॉब्लम है, तो फिर इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर को दिखाए हुए मत करिए। तो कंक्लूड करूं, अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, 2-4-10 दिन से कोई तकलीफ है, अगर आप नॉर्मल अपने लिवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो बिना डॉक्टर को दिखाए आप इसको खरीद सकते हैं, ले सकते हैं और खा सकते हैं। नॉर्मल जनरली आपको वीकनेस है, पैरों में सूजन है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई क्रोनिक प्रॉब्लम है, काफी समय से है, तो प्लीज इसका प्रयोग मत करिए, क्योंकि उसके साथ में बहुत सारी दूसरी मेडिसिन भी मिलानी पड़ सकती है, है ना। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। चलिए आज के इतना ही, मैं दोबारा आपको मिलूंगी मंडे के दिन में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। अगर कोई और हेल्थ इशू है, कोई और आयुर्वेद की मेडिसिन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी, गुड बाय।